Namaste. Om Swarupaya Namaha. Om Shri Sadguruve Namaha. Om Shri Dattatreya Namaha. हम लोग यहाँ पर श्री दत्तात्रेय जयंती उनकी जो जन्मदिन है उनका वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं. हजारों साल हो गए पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तब यहाँ पर जो उत्पत्ति करने वाले थे उनका जो प्लानिंग करने के लिए जो लोग थे उनमें से जो शक्तियों में आद्य शक्ति थी वो ब्रह्मा ब्रह्मदेव कहते हैं हम उनको. और ये सब होने के बाद उसको चलाने के लिए रोज़ाना दिखना पड़ता है उसकी जो शक्ति है और हमारे जीवित रहने के लिए जो शक्ति है वो सब शक्ति देने वाले भगवान श्री नारायण विष्णु. और इसके बाद जो है वो आगे के लिए मार्गदर्शन. और जीवन जब बदलता है जैसे पेड़ है काट के उसकी कुर्सी बनती है तो पेड़ अंदर रहता नहीं है, रहता है लेकिन दिखता नहीं है, वो आगे चला जाता है. या तो उसका कोयला बनता है लकड़ी जला के, तो कोयला है वो अलग, उसका सब धुआं होके वो अलग दिशा में चला जाता है और वहाँ पर उसकी अलग आयु शुरू हो जाती है. इस तरह ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बदलाव है, इसके लिए है शिवा, महादेव, देवों के देव महादेव. या इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास ये आखिरी सत्ता दी है, इसलिए पूरा जो हमारा हिसाब किताब है, हमारे रहन सहन है, हम जो अच्छा करते हैं बुरा करते हैं वो पूरा है उसके लिए, उसकी क्या कहे, हमें बख्शीश या तो शिक्षा देने के लिए है देवों के देव महादेव. और ये तीनों जो है वो हमारे शरीर में ही व्याप्त है, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा. भगवान चराचर में व्याप्त है तो हमारे शरीर में क्यों नहीं होंगे. तो मैं इसे उसके लिए कहता हूँ कि वहाँ पर कहीं पर एक ग्रह के ऊपर या एक प्लैनेट एस्टैब्लिश करके वहाँ पर एक सुपर बहुत बड़ा कंप्यूटर है और उसको हमारे शरीर में, हमारे पास, हमारे जीवन में अपने पास रखने के लिए अपने टेलीफोन में उसका अंश रहता है. अलग अलग ऐप्स रहते हैं, अलग अलग कार्य पद्धति रहती है उसके लिए. उसी तरह ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो तीन शक्तियाँ हैं, लेकिन ये तीनों शक्तियों के केंद्र है वो भी हमारे शरीर में है ही. पूरे भगवान हमारे शरीर में, भगवान है तभी हम जीवित है, तभी हम यहाँ पर है. और ये भगवान जो है वो अलग अलग शक्ति जो इनकी है वो हमें दिखाते हैं, उसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है प्राण शक्ति. अब ये मन जो है और ये जो केंद्र है जो दिन दैनंदिन व्यवहार चलाते हैं विष्णु भगवान और जो है शिव जी, और ये अलग अलग अपनी अपनी दिशा में काम करने के लिए शरीर का एक डिवीजन किया हुआ है, शरीर में व्याप्त है. तो हमारा एक दायां ब्रेन है, दाहिना ब्रेन, बायां ब्रेन और पिछला हिंद ब्रेन यहाँ पर है, ये सब मिलके ये कार्य चलता है. लेकिन ये तीनों को इकट्ठा करके हमारे जीवन को मार्गदर्शन करके वो क्यों हम यहाँ आए और जीवन सार्थक करने के लिए जो मार्गदर्शन है, जीना तो ठीक है ना कि हम जिए, पैदा हुए, खाए पिए, संसार किया, नौकरी किया, कुछ काम धर्म किया, चले गए, यही काम था क्या? नहीं, इस काम में हमें आनंद भी चाहिए. इसी तरह हमें जब जीवन समाप्त होगा तो हमें पूरी शांति, और हमने ये जो जीवन लिया है उसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए है देवता भगवान दत्तात्रेय. तो ये त्रिमूर्ति है, वो त्रिमूर्ति से भी ऊपर है और इनका बाह्य विश्व के साथ संबंध जो है वो एक निसर्ग के साथ है. तो ये जो वैश्विक सत्ता है उसे ही श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं. और इनका जन्म जो है वो अनुसूया माता के घर में हुआ, तो किसी के साथ द्वैत भाव नहीं, असूया नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, इस तरह से जो रहता है आदमी उसके अंदर दत्त भगवान का अंश जो है वो प्रकट होता है. और ये जो है पूरे विश्व का विश्वव्याप्त है, इसलिए इनको दिगंबर कहते हैं. मतलब ये विश्व कितना ही बड़ा होगा तो आखिर में जो आकाश है वो आकाश का वस्त्र पहने हुए हैं. और इस तरह से ये दत्त भगवान जो है वो स्मर्तृगामी है क्योंकि सब जगह उपस्थित है और हमें अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए सद्गुरु का जो मार्गदर्शन है वो देते हैं. और जो
अपने अपने सदगुरु है, वो सब दत्त भगवान की आज्ञा पर ही काम करते हैं। इसलिए आप देख रहे कि पेड़ के नीचे बैठे हैं, अवदुम्बर के उम्बर का पेड़ है ये, और वहाँ पर प्राणी मात्र जो है वो गाय भी है, कुत्ते भी है, और ये निसर्ग के साथ मिले हुए हैं। तो ये क्या हो गया कि एक साथ हमें विश्व के साथ जोड़ दिया है, और यह इसे पूरी एक सत्ता बन गई है। इस दत्तात्रेय देवता का आज का जन्मदिन है, हम उनको नमस्कार करते हैं। माला कमंडल रधक कर पद्म युग में मध्यस्थ पाण युगले डमरू त्रिशूले यस्यस्त ऊर्ध्वकरयो हो शुभ शंख चक्रे वंदे तमत्रिवरदम भुजषट्कयुक्तम। नमस्ते।